बजे सात नाम, श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम, श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम, श्री वाहे गुरु साहेब जी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, आज दिन की शुरुआत असी करन लगे है गया। दिल्ली तो 140 किलोमीटर दूर एक छोटे जे कस्बे तो, जिहड़ा कि करनाल का कस्बा है, जिन्हों तरावड़ी के नाते जाणिया जाता है। करनाल तो 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थान, कुरक्षेत्र तो 22 किलोमीटर दूरी पर स्थान, या असी इस तरह भी आख सकते हैं कि कुरक्षेत्र तो करनाल के विच का स्थान है। यह वो स्थान है जिहड़ा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शीस यात्रा का पहला पड़ाव सी। आखिरी पड़ाव आनंदपुर साहब, तो पहला पड़ाव पिंड तरावड़ी। तो मेरे पिछे आप उस इतिहासिक स्थान के दर्शन कर रहे हैं हो, गुरद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी दे, जिदा इतिहास धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल जुड़िया हुआ। यह वो स्थान है जिथे भाई जैता जी शहादत तो बाद धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश टोकरी विच रख अपने सिर के उत्ते सजा इस स्थान पर लुकते छुपते आ पुजे सी। तो उन्होंने एक रात इतने गुजारी, जिस करके धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शीश यात्रा का इसनों पहला पड़ाव आख्या जाता। अंदर जाने पहले आप दर्शन करने, अरदास करने, मिन्नत करने, जोधनी करने है उस ईश्वर के अगे, उस परमात्मा के अगे, उस धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के अगे, जिन्होंने अपना शीश लुकाई की भलाई लिए देता। आओ आप जी भी भागा वाले बनो, तो इस इतिहासिक स्थान दे साडे नाल दर्शन करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जे कट सिमरन राम को सो नर मुख ताजान, जे कट सिमरन राम को सो नर मुख ताजान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मां, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मां, एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहि मन, एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं मित, ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक एह विद हर पजो एक मन होए एक चित, नानक एह विद हर पजो सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसी गुड़ती मिली बाल गोविंद नू, कैसी गुड़ती। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत होने तो उपरांत दहशत का माहौल है। चारों तरफ मुगल सैनिक छाए हुए हैं, तो कोई भी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के
सीस के धर के कोल किसी को भी जान नहीं दे रहा, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। उसी दौरान एक बड़ी तेज़ आँदी है जिसका फायदा चुक धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस भाई जैता जी लैके उतों निकलते हैं आनंदपुर साहब वाल। तो इस स्थान के उत्ते जिते असी खलोते है तरावड़ी, इतने आके वो पहला पड़ाव पाते हैं। इस तो पहले कि असी आप जी ने इस स्थान का अगले स्थान का जिक्र करिए ते वो सारा इतिहास दसीए, उस तो पहले भाई जैता जी का इतिहास जानना बहुत जरूरी है कि भाई जैता जी कौन सी, उन्होंने जन्म कितने होया। आओ सरवण करने हैं भाई जैता जी का इतिहास। भाई जैता जी का जन्म 3 नवंबर 1649 यानी कि 1649 बिहार के पटना स्थित पिता सदानंद ते माता प्रेमो जी दे घर होया। जन्म दे वेले भाई जैता जी का नाँ रख्या गया जगचंद, ते इन्हां नूं जांदा भी आख्या जांदा सी। ते किसी वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई जैता जी का नाम जैत भी रख्या सी, ऐसा इतिहास दसदा है। सन 1665 विचों जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी प्रचार यात्रा दे लई निकलदे हन, उस वेले आप जी भाई जैता सिंह ते उन्हां दे परिवार नूं पटना तो अपने नाल लै जांदे ने, ते नाल माता गुजर कौर जी ते मामा कृपाल चंद जी ते होर लोगों नूं पटना विच छड़ के आप जी बंगाल दे इलाके वल रवाना हो जाते हैं। 23 दिसंबर 1666 पटना विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म के अगले दिन भाई जैता जी के छोटे भरा भाई संगता जी का जन्म होता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी प्रचार यात्रा के वापसी वेले आनंदपुर साहब पहुँचते हैं। उस वेले माता गुजरी जी ते छोटे गोविंद राय जी पटना विच ही होते हैं। इतिहासकार दसते हैं कि भाई जैता जी के छोटे भरा भाई संगता जी ने पटना विखे बालक गोविंद राय जी के नाल खेडण का सुभाग प्राप्त होया सी। पटना विच ही रहिंदे हुए भाई जैता जी ने गतके की कला, घुड़सवारी, तैराकी ते नाल ही कीर्तन करना भी सीखा सी, ऐसा इतिहास भी लिखा है। बाद विच पटना तो चल के आप जी का परिवार पिंड रामदासपुर आ जाता है जिहड़ा कि हुण अमृतसर दे विच रामदास दे नाते जाणिया जाता है। इत्थे आप जी बाबा बुढ़ा जी के पड़पोते भाई गुरदित्ता जी के नाल रहे। अगे चल के जिस वक्त श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गिरफ्तारी दी, उस वक्त भाई गुरदित्ता जी ने भी हिरासत में लै लिता गया। भाई गुरदित्ता जी के परिवार वालों भाई जैता जी ने उन्हां दी खबर लैण लई दिल्ली भेजा गया। भाई जैता जी ते भाई जैता जी का पूरा परिवार गुरु साहब जी नाल बहुत जुड़िया हुआ सी, उन्हां दा बहुत आदर सत्कार ते मान करदे सीगे पूरे भाई जैता जी के परिवार वाले। तो नाल ही धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी भी उन्हां दे परिवार का बड़ा सम्मान करते सी। 27 साल की उम्र सी भाई जैता जी की जिस वक्त वो दिल्ली पुजते ने, तो उन्होंने यह सम्मान मिलता है, यह मौका मिलता है कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का वो सीस लैके दिल्लियों आनंदपुर साहब वाल चाले पाते हैं। ऐसी का छोटा जहा इतिहास भाई जैता जी का। आओ हूँ आप जी दसने है कि इस स्थान के उत्ते जिते असं इस वक्त खड़ोते है उन्होंने मुलाकात किस दे नाल होंदी है। शरण तुम्हारी आए बादशाह जियो। तरावड़ी आके भाई जैता जी की मुलाकात होंदी है भाई देवा राम जी नाल। सो हुण तुहानूं दस्सदे आं कि भाई देवा राम जी कौन सी है। भाई देवा राम जी पेशे दे एक धोबी सी, ते जिस स्थान दे उत्ते असीं इस वक्त बैठे हैगे आं, इह स्थान यानी कि गुरद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी तरावड़ी, यह भाई देवा जी का निवास स्थान होया करता सी। इत्थे पिछे एक छपड़ी सी जिहदे विच अपने कपड़े धोया करते सी। भाई देवा राम जी एक समय गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं मिलण वास्ते आनंदपुर साहब जाते हैं, तो उत्थे हाथ जोड़ एक बेनती उन्होंने करते हैं कि महाराज किसी वक्त तुसीं भी साढ़े घर साड़ी कुटिया विच पधारो। तो कुछ समय लई धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी चुप हो जाते हैं, तो बाद जवाब देते हैं कि समय आएगा तो असी आप जी के घर जरूर आवांगे। समय गुजर जाता है, गुरु तेग बहादुर साहब जी शहादत देने लई दिल्ली पहुँच जाते हैं। भाई देवा राम जी ने इस गल की बड़ी चिंता होंदी है। भाई सतीदास जी की शहादत होंदी है, भाई मतीदास जी की शहादत होंदी है, भाई दयाला जी ने तसीहे दे के उन्हां दी शहादत की जाती है। यह सारी खबरां भाई देवा राम जी नूं मिलदियां रहिंदियां ने, ते नाल ही शुरू तो वह सारे पिंड वालियां नूं यह गल करदे सीगे कि एक दिन मेरा गुरु मेरे घर जरूर आएगा। तो जब यह सारी गल्लां हो रही होंदियां ने तो लोग उन्हां दा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि कित्थे है तेरा गुरु, किस तरह आएगा। उसी दौरान धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हो जाती है।
तो शहादत के बाद तो जिस तरह भाई देवा राम जी टुट ही जाते हैं, उन्हों का विश्वास टुट जाता है कि मेरे गुरु ने मैनू यकीन दिता सीगा कि मैं आप जी के घर आवांगा, तो हुण मेरा गुरु मेरे घर किस तरह आएगा। वो बड़े मायूस हो जाते हैं। जिस वक्त गुरु साहब की शहादत वास्ते उन्होंने लिजाया जाता है तो वह आते जाते हर बंदे को गुरु साहब के बारे पूछया करते सी। तो भाई जैता जी जिस वक्त रावड़ी आते हैं तो इतने उन्होंने मुलाकात तालाब के कंडे से भाई देवा राम जी नाल होंदी है। तो भाई देवा राम जी तो उन्होंने पूछते हैं कि दिल्ली का की हाल चाल है। बार बार पूछण के उत्ते भाई जैता जी को यकीन हो जाता है कि भाई देवा राम जी सच्चे सिख ने ते गुरु घर नाल जुड़े हुए ने। ते वो उन्होंने दिल्ली का सारा ब्यौरा दसते हैं कि किस तरीके नाल ते शहादत हुई। तो जब भाई देवा राम जी को यह पता लगता है कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हो गई तो वह रो पैंदे ने। वो कहंदे ने हुण मेरा गुरु किस तरीके नाल मेरे कोल आएगा, उन्हें तो मेरे नाल झूठा वादा किया। तो भाई जैता जी उन्होंने कहंदे ने जे आप जी का गुरु आपके घर आएगा तो आप जी कित्थे बिठाओगे। तो भाई देवा राम जी भाई जैता जी की बांह फड़ के उन्होंने अपने घर लै जाते हैं। तो दसते हैं कि यह स्थान है जिहड़ा मैं अपने गुरु लई बनाया सी। वो स्थान वेख भाई देवा राम जी का प्रेम देख भाई जैता जी अपने सिरों वो टोकरी उतारते हैं जिदे अंदर महाराज का शीश शोभायमान होंदा है, उस स्थान के उत्ते रखते हैं। तो एक एक करके कपड़े की एक एक परत खोलते हैं। तो भाई देवा जी जिस वक्त वो शीश के दर्शन करते हैं तो फुट फुट के रो पैंदे ने। वो भाई जैता जी को हाथ जोड़ बेनती करते हैं कि मेरा गुरु झूठा नहीं सी, उन्होंने मैनू यकीन दिलाया सी कि मैं आवांगा, तो अज वो जाते जाते भी अपना वादा पूरा करके गए ने। इतिहास दसदा है कि उस रात भाई जैता जी शीस नू उत्थे शोभायमान कर नहा तो लंगर पानी छकते ने। ते सारी रात भाई देवा राम जी उस शीस नू निहारते रहे, वेखते रहे, ते उन्हां दी अखां दे अथरू रुके नहीं, ऐसा इतिहासकार दसदे ने। ते सवेर होण ते बड़ी इज्जत ते सम्मान नाल गुरु साहब दा शीस भाई जैता जी नू दे के अगे दी ओर रवाना करते ने। ते ऐ सीगा ओह स्थान जिथे आप जी ने असी बैठ के सारा इतिहास सरवण कराया, यानी कि भाई देवा राम जी का वह घर, तो वह स्थान जिथे रात को सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीस एक रात लई शोभायमान होया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज के एपीसोड में आप जी ने दर्शन किए धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के इतिहासिक स्थान गुरद्वारा श्री शीशगंज साहिब तरावड़ी दे, जिहड़ा कि उन्हां दी शीश यात्रा का पहला पड़ाव सी। इस तों पहले कि असी आप जी नूं शीश यात्रा के अगले पड़ाव जिहड़ा कि अंबाला विच है उत्थे लै के चलीए, आओ पुछने आ कि मेरे मिसिज नूं इत्थे आ के की महसूस होया, इस गुरद्वारा साहब के दर्शन करके आप संगतां नूं की महसूस होया, तुसी इत्थे आए तुहानूं दर्शन करन तों बाद की लग्या, अंदरों की फील आई, की चीज़ महसूस कीती तुसी? पहले तो मैं सोच ही नहीं सकती सी कि असी इस स्थान के दर्शन करन नूं भी सानूं मिलणगे, पर इत्थे आ के ऐसा रूह कम गई कि शायद बयान करना बहुत मुश्किल है। उन्हां ते उस वेले की बीती होएगी जदों भाई जैता जी गुरु साहब जी का सीस अपने सिर पर टोकरी के बीच रख के लिया रहे सी, ते सारा रस्ता उन्होंने किस तरह पार किया होएगा, सोचने वाली गल है कि इत्थे किस तरह लिया के उन्होंने रात बिताई होएगी उन्होंने नाल, बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत साढ़े वास्ते ए सोच के ही रूह कंबदी है। तो सोचो भाई जैता जी के मन से उस वक्त की गुजर रहा होना, उन्होंने रात नींद किस तरह आई होनी है जिस वक्त उस स्थान पर रात रुके होंगे। भाई जैता जी नूं अगे चल के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा जिहड़ा खिताब दिता गया रंगरेटा गुरु का बेटा, वो अज समझ आता पाया कि वह एवें नहीं दिता गया सीगा, ऐ कोई छोटा मोटा कार्य नहीं सी, लुका के छुपा के
मुगलों की नज़रों विचों बचा के महाराज का सीस उतों लै के आना, किस हालातों में किहड़े साधनों इस्तेमाल करते हुए, चाहे वह पैदल आए होंगे या घोड़े पर आए होंगे या किस तरीके नाल कितों कितों होके आए होंगे। इतिहास में जिक्र आता है कि बागपत ते होर पिंडा दा सफ़र तय करते हुए उत्थे पहुँचे सी, किस तरीके नाल किस वक्त पहुँचे होंगे ते रात उन्होंने किस तरह गुजारी हुई होनी है। ते एक दिन की गल नहीं है, अगले चार पड़ाव होर उन्होंने इस तरह ही गुजारे होंगे। आओ हुण चलने हैं आप जी नूं लै के उन्हां दे शीश यात्रा के दूजे पड़ाव, जिहड़ा कि अंबाला विखे सुशोभित है, जिन्हों गुरद्वारा सीसगंज साहब अंबाला के नाते जाणिया जाता है, तो उत्थे जा के आप जी नूं श्रवण करावांगे उत्थे दा भी इतिहास। तद तक तुसीं साडे नाल बने रहो ते साडे नाल वेखदे रहो स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। साडे यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर दे अलावा PTC सिमरन दे उत्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी साथ ना।